प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी संकष्टी व्रत की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान श्री गणेश से पूछा, माता पार्वती, हे पुत्र, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वह मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र रूप स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में 1650 से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनुसार पंचगव्य पान करते रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियां की प्राप्ति सहज रूप से ही हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक ऐसी कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा हुआ करते थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। अब वह अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंप कर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्ष उल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपयोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों से सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधु बहुत धर्म परायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपने पुत्र वधु से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने का उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधु में कोई बदलाव आता ना देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा क्यों कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशन भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधु की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधु जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी वो मेरी बात नहीं मान रही है। अब तुम उसे मारकर उसकी अकल को ठिकाने पर लाओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं जानती। वह कौन है और उसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी बड़ा किस विपत्ति को भी नष्ट कर देंगे। माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधु ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ सके और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजा के सभी वस्त्र अलंकारों उतार कर राज महल में फेंक दिए गए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला।
उत्तर ना मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से ही पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि ना होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे कहा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निर्दयी कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी। राजा की दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज प्रारंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकों आदि के कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता ना चला, तब तो वो राजमहल में उसके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगी कि हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकर्ताओं का कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते देखा ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वह ही नहीं दिखाई दे रहा। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूतपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं को कोई गिरोह भी है या नहीं, कोई डाकू आदि वास करते हैं या नहीं। किंतु पता नहीं किस नारधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया। धर्मपाल अब अपने महल जाकर अपनी पत्नी व पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि ये नीच काम किसने किया है? यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पुत्र वंश का पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? ये सब भगवान श्री गणेश की लीला है, उन्हीं के प्रकोप का ये परिणाम है आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें और व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी को राजकुमार को अवश्य ही लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य ही कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश की पूजा कैसे की जाती है वो भी मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता, अतः मुझे और मेरे परिवार को उनके लिए किए गए अपराध की क्षमा दे कर राजकुमार का पता लगवाओ। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश का कष्ट नाशक चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को अपने समक्ष देखकर राजा सहित सभी नगर वासियों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख तो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी आप धन्य हैं और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहां जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। तो ये थी दोस्तों संकट नाशन गणेश चतुर्थी की व्रत कथा।
आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी।